but we all made sure that we are here. These are the moments where you can make your friends feel special. And yeah, when my show was getting launched, you know, they were there. So this is Mansi's special moment. So we had to come. And also, we are a music lover. So we like music. And she's looking very good. I must say, she's looking very good. So yeah. अब तक देखा नहीं, हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे कि लॉन्च में देखेंगे हम सब साथ में, तो एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, रियल रिएक्शंस मिलेंगे उसको, सो या मुझे मूड पे डिपेंड करता है, कभी पुराने गाने अच्छे लगते हैं, कभी रैप सुनना अच्छा लगता है, कभी सॉफ्ट रॉक सुनना अच्छा लगता है, सो सेम योर सो रैप जिम में रैप्स एंड ईडीएम म्यूजिक एंड देन यू नो व्हेन वी आर चिलिंग टुगेदर तो पुराने सॉन्ग्स दे ऑल सोल सूथिंग सॉन्ग्स या कभी कभी डांस नंबर्स एंड यू आर चिलिंग एंड यू नो डांस ओ गॉड डोंट इवन आस्क या दैट वाज होम दैट वाज लाइक होम या अभी मिलना कम हो गया है बट वी मेक इट अ पॉइंट या या सो आज क्या कुछ खास करने वाले हैं क्योंकि रियूनियन यूनाइट हुए सारे के सारे तो कुछ मस्ती वगैरह होने वाली है हां हां हम मस्ती ऑलरेडी कर रहे हैं कैमरा पे नहीं करेंगे हमारा गॉसिप सेशन शुरू हो चुका है एंड ऑफ कोर्स अभी सॉन्ग अनवेल होगा तो हम देखेंगे ओके लास्टली क्या कहना चाहेंगे मौला के ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम टू गौरव एंड Mansi बोथ एंड उनका गाना हिट हो जाए सुपर डुपर हिट हो जाए जैसे रैना का हुआ था एंड या दैट्स इट थैंक यू सो मच सो क्यों ना आप अपना चिपकली से म्यूजिक वीडियो का सफर बताएं ओह प्लीज या सो आई थिंक सिक्स मंथ्स बैक हमने मीटिंग की थी इन्होंने मुझे अपना ये बहुत ही सुंदर सा सूफी रोमांटिक गाना सुनाया मौला और सुनते ही मैं एकदम आई वाज लाइक कि ये ही पहला मेरा सिंगल डेब्यू होना चाहिए म्यूज़िक वीडियो में क्योंकि इतना डिवाइन इतना सूफी अच्छा प्यारा सा गाना है सो मैं मना नहीं कर पाई एंड आप लोग ने देखा है अभी तक नहीं देखा है अभी देखने वाले हैं आप लोग सो मुझे तो शूट करने में बहुत मज़ा आया सो गौरव है हिज नेम इज़ गौरव शर्मा और गौरव एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं गौरव का ये सेकेंड गाना है मेरे साथ फर्स्ट गाना उनका तेरे बिना तू प्यार है मेरा वो भी बहुत अच्छा गाना है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर आवाज़ है एक छोटा सा झलक हम मौला का दिखा देते हैं सुना देते हैं सबको हाँ क्यों नहीं आ देते हैं इतना प्यारा मौका है लॉन्च का तो जरूर सुनाएंगे सॉन्ग जोर से तू ही मेरा खुदा तू ही मेरा जहां तुझसे है जिंदगी अब मेरी जब से देखा तुझे दिल मेरा खो गया ना जाने क्या करूं क्या नहीं मिलना है तुझसे अभी तू चाहता है या नहीं आँखों में तेरी हंसी लेकर चलूँगा हर घड़ी तू जहाँ भी गया तो लगे मेहरबान मौला 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 मेरे मौला तेरे आगे ही तो खुद को भूला तू नहीं तो क्या ये जहाँ है तुझसे ही तो सब कुछ पाया है है ना फैबुलस गाना है सुपर मेरा गाना सिलेक्ट करने से शूट करने तक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था इनफैक्ट आई थिंक गाने की स्क्रिप्ट भी स्टोरी वगैरह हमने सब खुद ही डिसाइड किया है कि क्या क्या होने वाला है क्या करें अगला शयन जो हमारे जिन्होंने शूट किया गाना उन्होंने भी ही इज़ योर अभी आने वाले हैं वो तो उन्होंने भी बहुत प्यारा शूट किया और गाने के बीच में जो आप देखेंगे कि हम दोनों के बीच में थोड़ी नोकझोंक चल रही है मैं इसकी टांग खींच रही हूँ प्रैंक्स कर रही हूँ वो सब शयन का आइडिया था कुछ कुछ इनका आइडिया था और फिर कुछ कुछ मेरा आइडिया था तो हम तीनों ने मिलकर ये बनाया है बहुत ही प्यारा छोटी सी टीम थी हमारी यू नो कुछ कुछ लोगों की बट एंड रिज़ल्ट देख के हमें बहुत अच्छा लगा और माई जर्नी विद दिस मौला सॉन्ग बहुत ही अच्छी रही है यार फ्रैंकली पहले तो ये दिमाग में होता है कि शूट ख़त्म हो जाए
तो दो दिन डेढ़ दिन हमारा शूट चला और फिर रेस्ट हाफ डे, क्योंकि मैं शूट अपने दिव्य दृष्टि से छुट्टी लेके कैसे तैसे छुट्टी लेके आई थी, तो वन एंड हाफ डे में हमने जैसे जैसे जल्दी से ख़त्म किया शूट और फिर हाफ लास्ट नाइट थोड़ा गोवा का हमने मज़ा लिया और घूमा थोड़ा सा गोवा, बट ज़्यादा नहीं। पर हमें शूट करने में इतना मज़ा आया कि फील नहीं हुआ कि मैंने गोवा में कुछ मिस कर दिया। हमने बीच पे शूट किया, हमने जिस रिजॉर्ट में रह रहे थे वहाँ पे शूट किया और बीच तो दो तीन बीच पे शूट किया, हॉस्पिटल में भी शूट किया। हॉस्पिटल, देयर इज अ वेरी गुड हॉस्पिटल इन गोवा, आई वांट टू मेंशन द नेम, गैलेक्सी हॉस्पिटल। दे वर सो स्वीट, हमने उनसे पूछा कि हम यहाँ शूट कर सकते हैं, हमारा एक सीन है एक्सीडेंट का, तो देवर द स्टाफ वॉज सो गुड। मज़ा आ गया गोवा के लोगों के साथ शूट करके, बात करके, बहुत ही, वरना कौन ऐसे शूट करने देता सबको, और वो भी हॉस्पिटल में सबको रहता है कि अरे हमारे पेशेंट्स हैं, बट देवर वेरी स्वीट, सो थैंक्स टू द हॉस्पिटल ऑल्सो। सो आई थिंक जब टीम साथ में होती है कि हमें काम ख़त्म करना होता है और अच्छे दिल से जब हम कुछ शूट करते हैं तो कुछ अच्छा ही बनता है। सो लास्टली यस, मैं फैंस से, आप सबसे, गौरव के फैंस से सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमने बहुत प्यारा सा गाना बनाया है, गौरव ने अभी गा के भी सुनाया और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। सो जितना हो सके उसे शेयर कीजिए, उसे देखिए और जस्ट इन्जॉय द सॉन्ग, बहुत ही फील गुड फैक्टर वाला सॉन्ग है, और अगर सॉन्ग से कुछ इंस्पिरेशन मिलती है अपने बेटर हाफ के लिए कुछ करने के लिए तो वो भी कीजिए। इट्स वेरी रोमांटिक सॉन्ग, इट्स रोमांटिक एंड इट्स वेरी टचिंग, हार्ट टचिंग सॉन्ग। तो रूड बिल्कुल नहीं होना, रूड लाउंज में सॉन्ग लॉन्च हो रहा है, सॉरी मेरे पीजे आते रहेंगे, तो हैप्पी होना है, हैप्पी हाई ज़्यादा कोई ना हो जाए। सो बट सॉरी, वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट वी आर लॉन्चिंग द सॉन्ग हियर इन रूड लाउंज एंड दिस इज़ अ लवली लोकेशन। एम्बियंस इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, द लाइटिंग इज़ सुपर्ब एंड आई कांट वेट टू स्टार्ट एवरीथिंग। थैंक यू।